नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ युक्ता शर्मा। दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सोनी जी। स्वागत है आपका डॉक्टर श्रद्धा सोनी जी हमारे इस आज के कार्यक्रम में। दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम है घर और बिजनेस संबंधी। घर में कैसे छोटे छोटे उपायों से घर में खुशहाली बनाए रखें, या फिर बिजनेस में या फिर अपने ऑफिस में किस तरीके से इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन को सफल बनाया जाए। श्रद्धा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या कुछ ऐसे उपाय हैं महिलाओं के लिए या फिर घर संबंधी जिसमें घर से खुशहाली बनाई जाए, छोटे छोटे नुस्खों से घर में खुशहाली बनी रहे? कि महिलाएं घर में छोटे छोटे उपाय करके बहुत आसानी से अपने घर में सुखी और संपन्नता ला सकती है। जैसे कि हर शुक्रवार महिलाएं साबूदाने की खीर बनाएं और उसमें मिश्री डाल करके अपने पूरे परिवार सहित खाएं, तो एक बहुत अच्छी खुशहाली घर में आती है। और दूसरा उपाय आप कर सकते हैं सुखी संपन्नता के लिए कि अपने घर के ब्रह्मस्थान को आप साफ रखें और शयन कक्ष में आप राधा कृष्ण की एक फोटो तस्वीर लगाएं, जिससे कि एक हस्बैंड वाइफ में भी सुख खुशहाली बनी रहे कि उनके भी संबंध काफी मधुर बनेंगे। जी, ये तो बात हुई है श्रद्धा जी घर की। मैं जानना चाहूंगी आपसे बिजनेस में, जैसा कुछ लोग अपने बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर ऑफिस की बात हुई, तो किस तरीके से वो उपाय करें जिनमें उन्हें बहुत सारी सफलता मिले? सबसे पहले जो बिजनेस के लिए और ऑफिस के लिए जो कारक स्थान है, हम सबसे पहले उससे मजबूत करेंगे, जो कि उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा, जो कि आपको सुखी संपन्नता और धन अट्रैक्ट करने की दिशा होती है। तो आप उसे सबसे मजबूत करिए। और उत्तर दिशा का जो कारक बुध है, तो आप गणेश जी की एक तस्वीर या मूर्ति उत्तर दिशा में रखिए और एक व्यापार वृद्धि यंत्र आपके पूर्व दिशा के स्थान में रखिए, जिससे कि आपके व्यापार में काफ़ी वृद्धि हो। और लक्ष्य दिवाली के दिन आप एक लक्ष्मी पोटली बना करके अपने गले में रखिए। जी जी, ये तो बात हुई बिजनेस संबंधी बातों की, लेकिन मैं आपसे अब पूछना चाहूँगी कि जैसा कि लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ काम कर रहे होते हैं बिजनेस में, ऑफिस में, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है या फिर काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या ऐसे छोटे नुस्खे हैं या चमत्कारिक उपाय हैं जो आप बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? ऐसा बहुत बार देखने में आता है कि दिन भर व्यक्ति पूरा मेहनत करता है और बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे नहीं सफलता मिलती है, उसके कारक किसी भी तरीके से रुक जाते हैं और फिर भी वो कहीं ना कहीं होते होते रुक जाते हैं और होने के बाद भी उसमें उतनी उसे खुशी नहीं मिलती, उतना संतुष्टि नहीं मिलती है। तो उसके लिए आप एक तो राहु यंत्र अपने साथ में हमेशा रखिए, जिससे कि आपको जो भी कार्य में रुकावट आ रही है वो होने से वो बचाए। और एक सूर्य को नियमित तरीके से आप जल दीजिए, जो कि सूर्य को रविवार के दिन से आप शुरू करिए, शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से, और तांबे के लोटे में हल्दी डाल करके आप सूर्य को जल चढ़ाए, जिससे कि आपका सूर्य बलवान हो तो आपको यश प्राप्ति हो। सबसे इसका पूरे एक विशेष कार्यक्रम का मैं आपसे एक टिप पूछना चाहूँगी कि जैसा कि बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, काफ़ी नर्वस फील करते हैं एग्ज़ाम देने से पहले, तो उनको एक छोटी सी टिप या उपाय आप क्या देना चाहेंगे कि जिससे कि उनका मनोबल बढ़े? छोटे बच्चों आजकल कंसंट्रेशन में बहुत हटते जा रहे हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, इसी में भी व्यस्त रहने लग गए हैं, वो अपने परिवार में भी इतना नहीं घुलना मिलना चाहते। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप उत्तर पूर्व दिशा में एक सरस्वती की एक तस्वीर रखिए और एक चांदी का ग्लास में आप पानी भर के रखिए, वो चांदी के ग्लास का पानी आप बच्चे को पिलाएं, जिससे कि उसकी स्थिरता में एक स्थिरता बढ़ेगी, जिससे वो पढ़ाई में उनका मन लगेगा और वो जिद ना करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रद्धा सोनी जी। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम घर और बिजनेस संबंधी उपायों के बारे में, कैसे आप छोटे छोटे उपायों को करकर घर में खुशहाली पा सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले गणेश जी की मूर्ति लगाकर, सरस्वती जी की मूर्ति लगाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।